समय आने पर भगवान अपने सखाओं के साथ गाय चराने के लिए गए और वहां जाकर के घर से कलेवा जो लेकर के गए थे, कलेव जो लेकर के गए थे, तो भगवान अपने सखाओं के साथ बीच में बैठ करके एक दूसरे का जूठन खा रहे हैं। इस विषय में ब्रह्मा जी महाराज को मोह हो गया। ब्रह्मा जी महाराज आश्चर्य में पड़ गए कि भला यह वो कौन सा नारायण है जो सबके बीच में बैठ करके जूठन खा रहा हो, सभी के साथ एक सामान्य बच्चों के जैसा व्यवहार कर रहा हो। नारायण को तो भैया बड़ा मर्यादित रहना पड़ता है। ब्रह्मा जी को विस्मय हुआ तो ब्रह्मा जी जाकर के भगवान को अजमाने के लिए उन्होंने भगवान के जितने भी गाय बछड़े इत्यादि थे सबको भगवान ब्रह्मा जी महाराज ले जाकर के एक गुफा में बंद कर दिए। गुफा में बंद करने के बाद जब भगवान के सखा कलेव करके संतुष्ट हुए, जब खाली हुए, तो भगवान ने आदेश दिया कि भैया अब सभी लोग गायें, हमारी गाय बछड़े बहुत दूर तक चले गए होंगे, उनको देखो कहीं आगे ना निकल जाएं। जब ढूंढने गए तो बताए भैया हमारी गाय और बछड़े तो नहीं हैं और दूर दूर तक नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। अब इधर भगवान ढूंढने के लिए निकले तो भगवान को भी नहीं मिले, भगवान को भी गाय और बछड़े नहीं दिखाई पड़े। इधर ब्रह्मा जी महाराज भगवान के जाते ही गोप ग्वाल वालों को भी ले जाकर के गुफा में बंद कर दिए। अब भगवान आए तो गोप ग्वाल वाल भी नहीं मिले और गोप ग्वाल वालों को ना देख करके भगवान अपनी योग समाधि के द्वारा देखते हैं कि ये पकी पकी दाढ़ी वाले ब्रह्मा बाबा की लीला है। तो भगवान ने भी एक बड़ी सुंदर लीला की कि जितने गोप ग्वाल वाल, जितने भगवान के सखा, जितनी गाय और बछड़े थे, सबके सब भगवान स्वयं बन गए और हो ना हो यह जो पूरी सृष्टि है यह सब परमात्मा स्वरूप है, भगवान का ही अंश है। भगवान ही इस सृष्टि को स्वयं से सृजन करते हैं और स्वयं में लीन कर लेते हैं। इस प्रकार ब्रह्मा जी जब देखने आए कि वह नारायण किया क्या, तो ब्रह्मा जी ने देखा कि हम जिन गोप ग्वाल वालों को, सखाओं को और गायों को, बछड़ों को गुफा में बंद किए थे, वो सब के सब तो बाहर स्वतंत्र घूम रहे हैं। तो ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ और अपने गुफा में जाकर के देखते हैं तो जिनको बंद किए थे वो सब के सब बेचारे अचेतावस्था में वहां बंद पड़े थे। ब्रह्मा जी समझ गए यह हो ना हो ये वही नारायण हैं, इनके विषय में मुझे संदेह हुआ। ब्रह्मा जी महाराज भगवान के पास जाकर के क्षमा याचना मांगते हैं, भगवान की स्तुति करते हैं और स्तुति भी कैसी करते हैं कि प्रभु आप ही विराट स्वरूप वाले हैं, आपके ही इस विराट स्वरूप में सकल सृष्टि निवास करती है, जाने कितने ब्रह्मा निवास करते हैं, तो प्रभु मैं आपके उदर में निवास किया कि नहीं, और उदर में निवास करने के कारण मैं भी तो आपका ही पुत्र हूँ, प्रभु मेरे इस अपराध को आप क्षमा करें। ब्रह्मा जी महाराज इस प्रकार से भगवान से क्षमा याचना मांगते हैं। आगे के क्रम में भगवान ने धेनुकासुर जैसे अनेकों दैत्यों का वध किया और कालिया नाग से जमुना जी के दूषित जल को पवित्र किया, शुद्ध किया।